रीवा लोकायुक्त ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ग्रेड 3 के सहायक विनय त्रिपाठी को 40,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि एक ही दिन में लोकायुक्त की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जिसमें MPRDC संभाग 1 के सहायक विनय त्रिपाठी को 40,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि विनय त्रिपाठी ने पेट्रोल पंप खोलने की NOC देने के एवज में रिश्वत की मांग की थी, जहां शिकायतकर्ता बन्नई जड़मुनिया नईगढ़ी निवासी सुलेखा पटेल ने लोकायुक्त विभाग से इसकी शिकायत कर दी। वहीं सत्यता की जांच के बाद लोकायुक्त निरीक्षक प्रवेंद्र कुमार और 10 सदस्यीय टीम के द्वारा ट्रैप कार्रवाई करते हुए MPRDC ग्रेड 3 के सहायक विनीत त्रिपाठी को 40,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि रीवा लोकायुक्त के द्वारा एक ही दिन में ये दूसरी बड़ी ट्रैप की कार्रवाई की गई, जहां देवसर में पदस्थ PCO रुक्मणी कांत द्विवेदी को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, तो वहीं आज संभाग 1 के सहायक विनीत त्रिपाठी को 40,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि रीवा लोकायुक्त की एक ही दिन में यह दूसरी बड़ी ट्रैप की कार्रवाई है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, रीवा में लोकायुक्त के द्वारा 2 कार्रवाई की गई हैं। इसमें एक आवेदिका हैं श्रीमती सुलेखा पटेल, ये नई गली की रहने वाली हैं। इनके द्वारा पेट्रोल पंप जो इनके द्वारा आवेदन दिया गया था पेट्रोल पंप खोलिए, उसकी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में आवेदन दिया था कि NOC दी जाए। उसके एवज में इनके द्वारा जो है मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम का बाबू है विनीत त्रिपाठी, इसके द्वारा 60,000 रुपये की डिमांड की गई थी। बाद में आपस में बातचीत में 40,000 रुपये में मामला सेटल करने और NOC देने की बात हुई थी। आज जो है रीवा लोकायुक्त द्वारा सुलेखा पटेल की शिकायत पर 40,000 रुपये नकद लेते हुए विनीत त्रिपाठी सहायक ग्रेड 3 मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को गिरफ्तार किया और अभी कार्रवाई जारी है। दूसरी कार्रवाई रीवा की है, इसमें आवेदक हैं सुरेश पटेल, ये पुलिस में उपनिरीक्षक हैं। इनके द्वारा भी आवेदन लगाया था जिला खाद्य अधिकारी रीवा के, इसमें हमें पेट्रोल पंप की NOC दी जाए। इस हेतु जिला खाद्य अधिकारी जो रीवा हैं चेतराम कौशल, इनके द्वारा 20,000 रुपये की मांग की गई थी। उसके एवज में आपस में बातचीत दोनों में हुई, 10,000 मामला सेटल हुआ। तो आज जो है जिला खाद्य अधिकारी रीवा को चेतराम कौशल को 10,000 नकद लेते हुए उनके जहाँ रहते हैं होटल में वहाँ से गिरफ्तार किया है और अभी कार्रवाई जारी है।